हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनलिमिटेड स्टाइल क्यू। इंस्टाग्राम पे इस नाम से मेरा चैनल है एंड वेलकम टू द रिव्यू सीरीज। लॉकडाउन अभी भी पूरा खत्म नहीं हुआ है, दो वी आर इन द अनलॉकिंग फेज एंड इस टाइम पे हमारा कई बार मन करता है कि हम अच्छी सीरीज देखें, बट इन लास्ट सिक्स मंथ्स वी हैव बीन एक्चुअली डूइंग लॉट ऑफ सीरीज सर्चिंग एंड कई बार मिलता नहीं है। और एक और बात है कि आजकल इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, देन वी आर कंफ्यूज्ड कि भाई कहाँ पे क्या अवेलेबल है। सो आई थॉट दिस इज अ वे हाउ आई कैन ब्रिंग माय लर्निंग्स टू यू, माय एक्सपीरियंसेस टू यू, सो दैट यू कैन बी डबली श्योर कि क्या आपको सीरीज देखनी चाहिए और नहीं, या आपको उस ऐप में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत बार आपको पूरा देखने के लिए वहां पे मेंबरशिप लेनी पड़ती है। The series which I'm going to talk to you about is JL50। ये नई सीरीज है जो सोनी लिव पे आई है एंड इसमें मेन कलाकार हैं अभय देओल एंड अलोंग विद हिम द अनदर सुपर एक्टर इज पंकज कपूर। ये सीरीज बनी है कलकत्ता के बैकग्राउंड पे एंड आई वुड से इन्होंने पूरा वेस्ट बंगाल के कल्चर को उसमें संभालने की कोशिश की है एंड काफी अच्छा आया है। पंकज कपूर के तो बातचीत में द वे हिज डायलॉग डिलीवरी इज हैपनिंग आपको पूरा बंगाली टच लगता है। अभय देओल में इतना नहीं आया है, मे बी दे हैव शोन हिम एज प्रवासी बंगाली। ही इज अ सीबीआई ऑफिसर हु इन्वेस्टिगेट्स अ प्लेन क्रैश, बट ये स्टार्टिंग में समझ नहीं आता है बिकॉज व्हेन द सीरियल स्टार्ट्स इट स्टार्ट्स विद अ फुटबॉल मैच एंड देन दिखाते हैं कि एक प्लेन क्रैश कर रहा है। सो ऐसी इसकी शुरुआत है एंड देन व्हेन दे डिप डीपर इनटू दिस दे गो इनटू डेप्थ, पता चलता है कि ये वो फ्लाइट है जो 35 साल पहले उड़ी थी और अब जाके क्रैश हुई है। सो ऑल आर कंफ्यूज। अभय देओल बिकॉज ही इज फ्रॉम द सीबीआई बैकग्राउंड, ही इज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ही फील्स दैट द एंटायर सिनेरियो हैज बीन क्रिएटेड एंड ऑल आर कल्प्रिट्स दोज वर सर्वाइवर्स बिकॉज ओनली टू पीपल सर्वाइव, वन मेल एंड वन फीमेल। जो मेल है वो एक्चुअली इज द मेन विलन एंड जो फीमेल है वो पायलट होती है, बट अभय देओल को लगता है कि ये सब मिले हुए हैं। And that is how it slowly goes into the depth and all. And इन्होंने time travel का concept दिखाने की कोशिश की है। One thing that is remarkable is that ऐसा bold way से दिखाना बहुत अच्छी बात है। And जो बात माननीय है वो ये है कि इन्होंने इसको चार episodes में ही पूरा end to end दिखा दिया है। वरना आप देखेंगे बहुत सारे series ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे episode 1-2 लेके episode 13 तक चलता है and unnecessary story को drag की जाती है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ग्रिप बना हुआ है, इसमें पर्सनल लाइफ के थोड़े बहुत एस्पेक्ट्स कवर किए हैं, इसमें स्ट्रगल भी दिखाया है, इसमें हाउ समबडी इज यूटिलाइजिंग हिज माइंड वो दिखाया है और इसमें एक ट्विस्ट भी आया है। ट्विस्ट थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो जाता है एंड में, क्योंकि आपको लगता है कि सब इतना अच्छा कैसे चल सकता है, तो ट्विस्ट है, बट दैट ट्विस्ट इज पैलेटेबल डाइजेस्टेबल। ओवरऑल आई वुड से 3.5 आउट ऑफ 5 इसकी मैं रेटिंग करूंगा। And it's a good time watch. अगर आपको binge watching करनी है, then also thumbs up. अगर आपको break करके segmentation करके देखना है, then also thumbs up. आप इसको आराम से dinner time पे अपने family के साथ देख सकते हैं, आधे आधे घंटे के intervals पे, and आपके 8 से 10 दिन आराम से निकल जाएंगे इसको देखते हुए। Acting, all the acting are superb. People have actually given the due credit to their characters. जो हीरो हैं, जो विलन हैं, जो साइड रोल आर्टिस्ट है, सबका अच्छा है। एंड अगर आपको एथनिसिटी पसंद है, अगर आपको कलकत्ता का पुराना कलकत्ता पसंद है तो आपको ये अच्छा लगेगा, क्योंकि इन्होंने इसको 1984 से कोरिलेट किया है। एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने ऐसे दिखा है कलकत्ता नाउ दैट इज कोलकाता स्टार्टिंग विद के एंड व्हेन दे गो बैक टू 1984 दे शो इट एज कलकत्ता CAL। तो ये माइनर चीजें उन्होंने काफी तजुर्बा दिया है ताकि उनको लगे कि रियल में ऐसा हो रहा है एंड आई वुड से आई लव दिस। आई कुड हैव गिवन 4 आल्सो, बट मुझे लगता है कि थोड़ा अगर एक एपिसोड और ये लोग बढ़ा देते और थोड़ा सा इसमें और पर्सनल लाइफ का इंपैक्ट दिखाते, स्पेशली व्हेन द ट्रांजिशन हैपेंस, तो और मजा आता, क्योंकि हम भी उसके अंदर थोड़ा खो जाते हैं और हमको लगता है कि अरे क्या हो रहा है, थोड़ा हमको भी पता चले फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, बट दैट इज माई थॉट प्रोसेस। So I would say, go ahead with it. And if that needs you to buy a subscription of Sony Live, don't bother. Le lijiye, kyunki I think they will come up with more series. Aur nahi to aapko comedy show to hai hi, ya dance reality show hai, wo bhi aap dekh sakte hain. Okay then,
Keep watching my channel. I'll be coming up with more reviews. All the best. Good night, good morning, good afternoon. Tata.